अहिंसा के बलबूते ब्रिटिश सरकार को हिला देने वाले हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को हम हिंदुस्तानी आज भी पूरी तरह से नहीं जान पाए हैं। और आज बापू के जन्मदिवस और उनकी जयंती के अवसर पर आज कुछ मैं ऐसे तथ्य आपके सामने रखने वाला हूँ जो शायद आपने कहाँ भी ना तो पढ़े होंगे और ना ही आपने सुने होंगे, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ गांधी जी के कुछ जीवन के दिलचस्प बातों के बारे में, साथ ही उनके विदेशी रणनीति के बारे में। और एक सबसे बड़ा जो सवाल रहता है कि गांधी जी इतने महान होने के बावजूद भी उन्हें नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं मिला, मैं उनकी बात करने वाला हूँ। और अगर गांधी जी उस समय कमाते, अगर वो उनकी कमाई होती, उनकी सैलरी होती, तो वो कितना कमा सकते थे आज सब मैं बताने वाला हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि वीडियो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है अगर आप गांधी जी के बारे में जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गांधी जी के जीवन के बारे में, उनके जीवन से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मोहनदास करमचंद गांधी, राष्ट्रपिता का ये नाम तो आपने खूब पढ़ा और लिखा भी होगा, लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि गांधी जी का बचपन का नाम मनु और मोनिया था, और इसी नाम से गांधी जी को बचपन में पुकारा जाता था। और मैं आपको बताऊं कि गांधी जी की बचपन में ओनली 13 साल की उम्र में, गांधी जी की ओनली 13 साल की उम्र में शादी हो गई थी, 13 ईयर्स की एज में उनकी मैरिज हो गई थी। और उस समय जो उनकी पत्नी थी कस्तूरबा गांधी, वो मात्र 14 साल की थी। तो कह सकते हैं कि गांधी जी से वो 1 साल बड़ी थी। और गांधी जी हमेशा अपने साथ एक दांतों का सेट रखते थे जो हमेशा उनके साथ रहता था। अब बात करेंगे गांधी जी के खेलों के प्रति दिलचस्पी की। गांधी जी की जो है खेलों के प्रति बड़ी दिलचस्पी थी। मैं आपको बताऊं कि दक्षिण अफ्रीका में पैसिव रेस्टिस नाम से 3 फुटबॉल क्लब की जो है गांधी जी ने स्थापना की, जो सन 1893 और 1915 में हुई, 1893 और 1915 में उन्होंने फुटबॉल क्लब की स्थापना हुई थी। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि गांधी जी के खेलों के प्रति बड़ी दिलचस्पी थी। अब मैं बताऊंगा आपको विदेश नीति के बारे में। आपको ये जानकर ताजुब होगा कि जिस ब्रिटिश शासन के खिलाफ गांधी जी ने बड़े आंदोलन चलाए और उस ब्रिटिश शासन को जड़ से उखाड़ फेंका, उसी ग्रेट ब्रिटेन ने गांधी जी की मृत्यु के 21 साल बाद, गांधी जी की जब मृत्यु हुई तो उसके 21 साल बाद उनके सम्मान में उनके चित्र वाला एक डाक टिकट जारी किया। अब माना जाता है गांधी जी का इस सम्मान, आप सोच सकते हैं कि गांधी जी का कितना बड़ा सम्मान वो करते थे, कि वो कितने एक अहिंसा के बल पर उन्होंने ब्रिटिश सरकार को जो है धूल चढ़ा दी थी, लेकिन फिर भी उनका सम्मान किया गया। तो आप लगा सकते हैं कि गांधी जी कितने महान व्यक्ति थे। अब बात करेंगे गांधी जी के जो है कमाई के बारे में। तो गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में वकालत करते थे, तो उस समय उनकी कमाई लगभग सालाना $15,000 हो सकती थी, जो आज के हिसाब से भारतीय रुपए में लगभग 9,81,375 रुपए हो सकती है। और इससे एक वकील के रूप में उनके सम्मान, उनकी लोकप्रियता का अंदाजा आप बखूबी से लगा सकते हैं। इतनी मोटी कमाई को त्याग कर उन्होंने खुद को देश हित में, आजादी के आंदोलन में अपने आप को न्योछावर कर दिया। तो आप समझ सकते हैं गांधी जी कितने महान व्यक्ति थे, कितने उन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चलकर एक देश को जो है इतना बड़ा सम्मान दिया। सिर्फ भारत में नहीं बल्कि महात्मा गांधी नागरिक अधिकार आंदोलनों के लिए दुनिया के 4 महाद्वीप और 12 देशों के नागरिकों के प्रेरणा स्रोत बने। भारत के अलावा दुनिया के में कई जगह महात्मा गांधी की मूर्तियां और स्मारक बने हुए हैं, या आप भली बातें जानते होंगे। स्टीव जॉब्स उनके बहुत बड़े प्रशंसक हैं, और ऐसा कहा जाता है कि जो वो गोल चश्मा पहनते हैं वो उनके सम्मान में ही वो पहनते हैं। और अब बात करेंगे गांधी जी के संवाद की कला। तो गांधी जी की जो कम्युनिकेशन स्किल थी, जो आपस में बात करते थे, वो उसमें बड़े प्रवीण थे। महात्मा गांधी को पत्राचार करने की बड़ी आदत थी। उन्होंने दुनिया की कई बड़ी हस्तियों के साथ जो है पत्र के माध्यम से बड़ा संवाद किया। और इनमें कवि और गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाल गंगाधर तिलक, अल्बर्ट आइंस्टीन और हिटलर जैसी बड़ी हस्तियों के नाम शामिल है। उन्होंने बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े महान हस्तियों के साथ संवाद किया, जो आज भी जाने जाते हैं और उनकी किताबों में देखने को सुनने को मिलते हैं। माना जाता है गांधी जी के पास
हजारों चिट्ठियां एकत्रित हो गई थी उनसे संवाद करने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए। जो सबसे बड़ा मन में सवाल आया वह है कि गांधी जी इतने महान होने के बावजूद भी जो है उन्हें नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं मिला। तो मैं आपको बताऊं कि शांति नोबेल पुरस्कार के लिए गांधी जी को 5 बार नॉमिनेट किया गया था, लेकिन उन्हें इन पुरस्कार कभी नहीं मिल सका। ये इस बात का अफसोस उस समिति को भी है जो समिति नोबेल पुरस्कार देती है, उस समिति को भी अफसोस रहा कि गांधी जी को उनके जीवन में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया, क्योंकि ये पुरस्कार जो है मरणोपरांत नहीं दिया जा सकता था, इसलिए गांधी जी को पुरस्कार नहीं मिल पाया। और ये बात इस बात का अफसोस समिति को आज भी है कि गांधी जी को उनके जीवन में जीते हुए शांति के लिए नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। गांधी के बारे में बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जिनको हमें जानना चाहिए, जानना जरूरी है अगर हम एक अच्छे विचार वाले व्यक्ति बनना चाहते हैं तो। और साथ में गांधी जी की मैं बात बताऊं कि गांधी जी लगभग 18 किलोमीटर रोजाना पैदल भ्रमण करते थे, और ये लगभग इतना होता है कि उतना उम्र पैदल चले तो लगभग 2 बार विश्व भ्रमण कर सकते थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा वो पैदल चलते होंगे, और वो ऐसा मानते थे कि पैदल चलने में जो हमारा स्वास्थ्य है वो ठीक रहता है, और ये प्रक्रिया आज भी है कि हमारा पैदल चलना हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ा लाभदायक रहता है। और मैं आपको बताऊं कि गांधी जी की जो अंतिम यात्रा थी, जब उनकी शव यात्रा निकली तो लगभग बहुत सारे लोग इतने भीड़ उमड़ी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 8 किलोमीटर लंबी जो है सैलाब था जब गांधी जी की शव यात्रा निकली थी, और इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने व्यक्ति उनकी अंतिम यात्रा में उन्हें देखने के लिए शामिल हुए होंगे। तो गांधी जी हम सभी के लिए प्रेरणा थे, प्रेरणा रहेंगे, और हम सभी लोग उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन में अहिंसा के मार्ग पर चल सकते हैं और देश में नए नए सुधार ला सकते हैं। शुरुआत शुरू से अपने आप से करनी होगी, आपको अपने आप ही अपने जीवन में बदलाव देखने को मिलेगा, और दुनिया जब ही बदलेगी जब आप बदलना शुरू करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने इस पर काफी काम किया है और आपको बताने का प्रयास किया है गांधी जी के बारे में जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो आप जरूर अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना, उन्हें भी बताना जो वो नहीं जानते हैं, और बने रहिए अपने जीवन में अपने लक्ष्य के साथ और अपने सपने पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहिए। लव यू फ्रेंड्स, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।